Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Today we are going to start the conceptual questions of the chapter number 12, Geometrical Optics. Question number 1 hai. Which type of a lens would you use to start fire from the light from sun concave or convex? Work best? At what distance from the lens should the paper be held for the best result? आपने क्या करना है, किसी भी लेंस को यूज करके फायर इंस्टिंग्विश करनी है, आग जलानी है. तो बच्चों, वी नो दैट हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. सो अगर हम कन्वर्जिंग लेंस को, कन्वेक्स लेंस को रखते हैं धूप के ऊपर, तो वो क्या करता है, ऑल द राइट रेज जो उसके ऊपर पड़ती हैं वो एक पॉइंट पर फोकस कराता है. जब वो उन सारी रेस को एक पॉइंट पे फोकस कराएगा तो हमारे पास रेस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. हमारे पास रेस जब एक पॉइंट पे पड़ रही हैं तो वो क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा हीट कॉज करेंगी. तो हमारे पास, और स्पेशली जब वो हमारे पास लेंथ की भी बात हो रही है, तो हमारे पास कहाँ पे होनी चाहिए वो पीस ऑफ पेपर, तो हम कहेंगे फोकल पॉइंट पे सारी रेज आके मिलती हैं. तो हम अपने पीस ऑफ पेपर को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो हमारे पास फोकल पे आए, ताकि उसके लेंस के. सो वो कहता है हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, ठीक, क्योंकि कन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है. और हम जो डिस्टेंस रखते हैं वो ऐसे रखते हैं कि हमारे पास जो पीस ऑफ पेपर है वो लेंस के फोकल पे आए. ठीक है, एक दफ़ा मैं पढ़ लेती हूँ. वील यूज़ अ कन्वेक्स लेंस टू स्टार्ट फायर फ्रॉम द लाइट ऑफ सन. अ कन्वेक्स लेंस फोकस आर कन्वर्ज द पैरल सन टू अ सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. द फोकसिंग पॉइंट इज of the principal focus F. The paper should be placed at a distance equal to the focal length of the lens. कि हमारे पास focal length का जो distance है और paper का जो distance है वो same होना चाहिए. The lens converging sunlight on the paper after some time paper heat up and caught the fire. थोड़ी देर बाद क्या होगा कि paper गर्म हो जाएगा, सारी heat एक point पे आ रही है तो वो आग को पकड़ लेगा. Question number 2 है, If a concave mirror produces a real image, is the image necessarily inverted? Explain. कि हमारे पास कंकेव मिरर जो है वो एक रियल इमेज बना देता है, तो हमारे पास उसका इन्वर्ट होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम रियल इमेज बता देते हैं, रियल इमेज है क्या. अ रियल इमेज इज़ द इमेज फॉर्म व्हेन अ लाइट रेज एक्चुअली पास टू द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म. कि हमारे पास लाइट रेज एक्चुअली उस पॉइंट से मूव करे जहाँ इमेज बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज. तो रियल इमेज के लिए वो कहता है हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं. और कहता है ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर. कि हमारे पास रियल इमेज सिर्फ तब बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से पीछे रखते हैं. द रियल इमेज विज ऑलवेज बी इन्वर्टेड. अब रियल इमेज की प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि वो हमेशा इन्वर्टेड होता है. दिट इज बिकॉज ऑफ द कनकेव मिरर फोकसेस लाइट रे दैट इन्वर्टेड द रियल इमेज. कि हमारे पास कनकेव मिरर में क्या होता है कि लाइट जब फोकस करती है तो वो रियल इमेज को इन्वर्ट कर देती है. हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड अ फोकस द इमेज फॉर्म विल बी अपराइट वर्चुअल नॉट रियल. कि जब हम करते हैं पोल और फोकस के दरमियान में अपना कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो अपराइट तो होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन वो रियल नहीं होगा. That's why it is said that the real image formed by the concave lens always be inverted. इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो real image बनता है concave mirror से वो क्या होता है, always always inverted होता है. Question number 3 है, are rear images used to cars concave or convex? कि हमारे पास rear view के लिए गाड़ियों में हम concave mirror use करते हैं या convex mirror use करते हैं. So we are so clear about that कि हमारे पास convex mirror होता है गाड़ियों में, क्योंकि हमें एक longer view पे एक wider range को देखना होता है. सो दैट्स वाई हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं. एंड सेकेंडली, हमारे पास कन्वेक्स मिरर जो इमेज देता है वो इरेक्ट वर्चुअल होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को भी हमें दिखा देता है. लेकिन अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है, और इसमें बहुत स्मॉल एरिया आता है. ठीक है, जब हम व्यू कर रहे होते हैं तो एक लार्जर व्यू नहीं आता उसमें,
थोड़ी सी किसी जगह का इसमें इमेज आता है और हमें इसका व्यू जो होता है अरेक्ट होता है, क्लियर इमेजेस होते हैं किसमें, कनकेव में ब्रॉडर व्यू रहता है, अरेक्ट होता है, क्लियर इमेजेस होते हैं, सो वी यूज द कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ मैजिशियन एक शो में है और वहां पे उसके पास लेंस है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। अब वो क्या करता है कि वो लेंस एक लिक्विड में डालता है तो वहां पे वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आपने ये बताना है कि वो जो लिक्विड वो यूज कर रहा है वो कौन सा लिक्विड है, अगर वो वाटर है या वाटर नहीं है, अगर वाटर नहीं है तो फिर क्या है। तो कहता है कि हमारे पास जो वो लेंस यूज कर रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दी हुई है, दैट इज 1.47। अब हमारे पास उस लेंस को डिसअपियर करने के लिए हमें उसको जिस लिक्विड में डालना होगा वो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, ठीक जैसे कि लेंस की थी, ताकि वहां पे ना तो रिफ्लेक्शन हो ना रिफ्रैक्शन हो और लेंस उसका एक इनविजिबल पार्ट बन जाए, मीन्स उसी के एक पार्ट लगे। तो बच्चों इसके लिए हम पानी तो नहीं ले सकते ना, पानी का हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33 जो कि बहुत कम है 1.47 से, तो इसलिए क्या होगा कि ग्लास लेंस नजर आएगा। अब क्या करेंगे कि वहां पे हम ग्लाइसरीन या टर्पेनाइट हम यूज करेंगे, ये दोनों जो होते हैं क्लियर होते हैं और जैसे पानी क्लियर होता है ना ट्रांसपेरेंट लाइक ऐसे होते हैं, और इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो भी 1.47 है। सो मैजिशियन क्या करेगा, ग्लास लैंप्स को इनविजिबल करने के लिए ग्लाइसरीन या टर्पेनाइट यूज करेगा क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास कितनी है 1.47। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि आपको एक लेंस दिया जाता है और साथ आपको एक रूलर दिया जाता है, ठीक है स्केल। आपको ये कहा जाता है कि आपने इस लेंस का फोकल लेंथ डिटरमिन करना है, तो आप कैसे करोगे। सो इट्स वेरी इजी। कैसे इजी है कि आप एक ओपन एयर जगह पे जाओगे जहाँ पे सनलाइट हो, आप सनलाइट की रेज ऐसे एडजस्ट करोगे कि सनलाइट की रेज आपके उस लेंस पे पड़े, तो आप उसे एक वॉल पे फोकस करो, ठीक। आपने वो पॉइंट ढूंढना है जब सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे आके वॉल पे फोकस हो रही हैं। अब जब वो फोकस हो जाएंगी ना तो तब आप वॉल से लेंस तक का डिस्टेंस मीटर रॉड से देख लें और दैट इज द लेंथ ऑफ द, वो हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द फोकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कैन वी अचीव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब हो सकती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चीज आ रही हो, फॉर एग्जांपल एयर से हमारे पास वाटर में या फिर ग्लास में रे आ रही हो। तो कहता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास रेयर से डेंसर में कोई रे ट्रेवल करती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। लेकिन जब हमारे पास ग्लास से एयर में जाती है तब क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहाँ पे हमें नॉर्मल से अवे बेंडिंग करानी है। फॉर दैट पर्पज हम यही कहेंगे कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब हम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे। अब डेंसर मीडियम हम वाटर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्या कहता है, पॉइंट 1, द इंसिडेंट लाइट मस्ट पास फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। के डेंसर से रेयर में आने के लिए हमारे पास जरूरी है अब वाटर हो या ग्लास हो। दूसरा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम। कि हमारे पास मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है उससे हमारे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। क्या मतलब है इसका बच्चों, कल हमने जो मैंने आपको लेक्चर भेजा लास्ट जिसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को उसमें हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था ना, कि हमारे पास रिफ्लेक्शन का जब क्रिटिकल एंगल आ रहा था उसमें 48.8 हमने लिया हुआ था, लेकिन जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी थी हमने अपने एंगल उससे ज़्यादा किया था, हमने उसे 60 किया था, तो तब हमें जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिली थी, ठीक। कहता यह है कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल से एंगल ज़्यादा होगा तो तब जाके हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके पास एक पर्सन है जिसकी आईसाइट
वीक है, ठीक है। अब अगर वो पानी में चला जाता है तो क्या उसे वहाँ पे ठीक से नज़र आएगा या नहीं आएगा? तो कहता है जब एक बंदी या बंदा पानी में चला जाता है तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास चेंज होता है वाटर का एज कम्पेयर टू एयर। हमारे पास वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.33 जो कि बहुत ज़्यादा है एयर से। एयर का क्या है 1.002 और नॉर्मली हम इसे 1 कहते हैं, ठीक है। तो कहता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो वो बंदा या बंदी जो होगा वो ठीक से नहीं देख सकेगा। जब वो लेंसेज उस पेन के पानी में जाएगा तो उसे कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हो, मैग्नीफिकेशन कर रहे हो, तो उसमें आपके पास ये चीज़ मैटर करती है कि आप लेंस में कहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। रादर वो फोकल लेंथ पे होता है, कहाँ पे होता है, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो वो बता रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। अब जब डबल कन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बनाता है इमेज जो कि होता है रियल इन्वर्टेड इमेज होता है, और वो अपोजिट साइड ऑफ द लेंस में होता है। अब हम जब उसे प्लेस करते हैं ये कब होता है, जब हम उसे फोकल लेंथ पे रखते हैं। अब हमें फॉर वर्चुअल अरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द इमेज, हमें उसे विद इन द फोकल लेंथ रखना पड़ता है। दस वी यूज अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास द ऑब्जेक्ट शुड लाई विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमारे पास वो विद इन द फोकल लेंथ होगा सो वील गेट द अरेक्ट इनलार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स मिरर आर यूज्ड टू हेल्प ड्राइवर्स, कि हमारे पास ऐसे टर्न्स जिनमें हमें नहीं नज़र आ रहा होता आगे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो वहाँ पे मिरर्स लगाए होते हैं। अब आपने बताना है कि वो जो मिरर्स लगे होते हैं वो कनकेव हैं, कन्वेक्स हैं, प्लेन मिरर्स हैं, कौन से मिरर्स हैं। तो वो कहता है एज वी नो दैट कि कन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, और उसे ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें क्या करता है, एक वाइडर रेंज में एक वाइडर फील्ड का व्यू दे रहा होता है, और उसका जो इमेज होता है वो भी अरेक्ट वर्चुअल होता है, एंड बहुत दूर भी अगर चीज़ पड़ी हुई है तो उसका भी अच्छे से वो इमेज दे देता है। सो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। अब बाकी ये प्लेन मिरर ये क्यों नहीं लगाते या कनकेव मिरर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि प्लेन मिरर हमारे पास अरेक्ट इमेज देता है, सेम इन साइज होता है, मतलब जो भी चीज उसके सामने होगी उतने ही साइज का वो इमेज देगा, और इसलिए हमारे पास जो व्यू करने का एरिया होता है वो कम हो जाता है। और कनकेव मिरर के बारे में क्या कहते हैं कि इसका जो है इमेज जो होता है वो रेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ओनली ऑब्जेक्ट लाए विद इन इट्स फोकल लेंथ, कि सिर्फ वही चीज़ें नज़र आती हैं जो उसके फोकल लेंथ के एरिया में होती हैं। सो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू एट ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स टू हेल्प ड्राइवर्स फॉर द सेफ ड्राइव। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें रेक्ट वर्चुअल एंड लार्ज एरिया का व्यू दे रहा होता है, क्लियर। इज़ इट क्लियर, एंड मोर एवर अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क।